हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो आपको पहले से भी पता होगा कि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। और आज का जो हमारा रीडिंग है वो है पिक अ कार्ड रीडिंग। तो आपको मैं सारी चीज़ें समझा दूँगी कि पिक अ कार्ड रीडिंग होती कैसे है और इसमें क्या करना होता है। उससे पहले हम लोग कुछ बात करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन प्रेस करो एंड बेल बटन प्रेस करो, सो दैट आपको मेरे जो भी मैं नए वीडियोस डालती हूँ ना उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, सो वन ऑफ द हाईएस्ट जिस वीडियो का रिक्वेस्ट मुझे आता है वो है करंट फीलिंग्स। तो अब मैं हर हफ्ते ऑलमोस्ट हर हफ्ते ट्यूसडे को नॉट ऑलमोस्ट ठीक है हर हफ्ते ट्यूसडे को देयर करेंट फीलिंग्स, यानी जिसके बारे में आप सोचना चाहते हैं, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं एट प्रेजेंट आपके लिए या इन जनरल उनकी लाइफ में, आप जान सकते हो बाय माई कार्ड्स। ओके, आपको करना ये है कि आपको अपने माइंड को पूरा क्लियर रखना है, कोई डाउट्स नहीं लाने हैं, और इन तीन पाइल में से किसी एक पाइल को आपको सेलेक्ट करना है। ये है ऑरेंज पाइल, ये है वाइट पाइल एंड ये है पिंक पाइल। ओके, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है देयर करेंट फीलिंग, और एक ये नया वीडियो मैं आज लेके आई हूँ। तो आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि उनकी करेंट फीलिंग्स क्या हैं। मैं जिस तरीके से आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप भी लोगों की हेल्प कर सकते हो। अगर आप मेरे वीडियोस को अगर आपको लगता है कि किसी को मेरे वीडियोस की नीड होगी तो आप उन्हें ज़रूर ही रिकमेंड करो। बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं होता है कि उस इंसान को इस वीडियो की ज़रूरत है, तो आप ट्राई करो कि अगर कभी आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको बताना चाहिए तो आप ज़रूर ही शेयर करो, हेल्प करते रहो। जिस तरह मैं आपकी कर रही हूँ, आप भी आगे लोगों की हेल्प करो। और हम जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे ना, उतना हमारे लिए बेहतर होगा, उतना हमारी सिचुएशंस जो है ना वो बेहतर होंगी। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी लोगों की हेल्प करो। सो अब मैं आपको टाइम देती हूँ, आप इन तीन पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट कर लो कि उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या है। मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ उनके ओवर द फोन एंड एवरीथिंग, तो उसका सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑफ़ कोर्स जो जो रेमेडीज़ होती हैं ना वो पर्सनल रीडिंग कराने से ज़्यादा बेहतर आती हैं, बिकॉज तब मुझे एग्जैक्ट आपका प्रॉब्लम पता होता है। बिकॉज ये जो रीडिंग्स हैं ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो इसलिए मैं अगर आपको बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, वहाँ मैं आपको रेमेडीज़ भी बता दूंगी। या पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन मैंने उसके सारे ही डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है। तो करेंट फीलिंग्स आप किसी के बारे में भी सोच सकते हो, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, अपने फैमिली मेम्बर, किसी भी फैमिली मेम्बर के बारे में, मदर फादर, किसी के भी बारे में। ओके, और आप जान सकते हो कि अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये जो वीडियो है मैं वो हर हफ्ते ट्यूसडे के दिन अपडेट किया करूँगी, तो आप आके करेंट फीलिंग्स देख सकते हो। आप हर हफ्ते अलग अलग लोगों के लिए देख सकते हो एंड आप इसे और लोगों को भी रिकमेंड करो सो दैट वो लोग भी इसे देखें, और पॉसिबली अगर उनकी शायद हेल्प हो जाए तो किसी की हेल्प हो जाए तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। आपकी एनर्जी यहाँ तक आपको लेके आई है मेरे चैनल पे, क्योंकि इतने सारे टैरो रीडर्स हैं, आप किसी के भी चैनल पे जा सकते थे, आप मेरे चैनल पे आए हो, तो ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी, यूनिवर्स ने चाहा कि आप ये वीडियो देखो, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस क्वेश्चन के बारे में सोच के, उस इंसान के बारे में सोच के आप ऐसा सोचो कि उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, और इन तीन पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट करो। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, जितना टाइम मैंने दिया। अगर उससे ज़्यादा टाइम आपको चाहिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप वीडियो पॉज करके भी सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले जो रीडिंग होगी वो होगी ऑरेंज पाइल की, फिर वाइट पाइल की एंड देन पिंक पाइल की। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या रीडिंग्स आई हैं एंड पिंक पाइल इनकी रीडिंग्स मैं इसके बाद करूँगी। तो ऑरेंज पाइल वाले लोग रेडी? तो ये देखिए ऑरेंज पाइल वाले लोग, आपके जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, मैं इन्हें भी रीड करूँगी। पहले मैं इन
फाइव कार्ड्स को रीड करूँगी। तो ये देखिए आपके क्या कार्ड्स आए हैं वो हम लोग देखते हैं। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, सॉरी, ओके, तो या ओके सो अभी मुझे दिख रहा है कि उनके फैमिली में या उनके लाइफ में अभी कुछ थोड़ा बुरा हुआ है जिससे वो कोप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या आप हस्बैंड वाइफ हो एंड आपकी रिलेशनशिप में अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ऑफ कोर्स इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। तो या तो आप उन्हें सिचुएशन से, अगर आप दोनों का रिश्ता अभी बरकरार है तो आप उन्हें निकलने में हेल्प करो, और अगर आप लोगों का रिश्ता बरकरार नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। एट द सेम टाइम उनके फैमिली में भी कुछ अभी ऐसा चल रहा है जिसके वजह से उनका जो पीस है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है। उनकी जो लाइफ है अभी वो एक हैप्पी लाइफ तो मुझे जीते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। एटलीस्ट इस वीक तो उनके लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो मुझे कम होती हुई नज़र आ रही है। ये देखो, इन्होंने रीसेंट में ही किसी चीज़ पे बहुत अच्छा गेन पाया है, मतलब या तो गेन पाया होगा या तो जो उन्होंने गोल्स रखे होंगे उसे उन्होंने अचीव कर लिया होगा ईजिली। तो उसकी खुशी मनाने से पहले ही कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ दुख उनके लाइफ में अभी उनको फेस करना पड़ रहा है। वो काफ़ी नॉलेजेबल किस्म के इंसान दिखते हैं मुझे, अपनी बातों को मानने वाले और अपनी बातों को सुनने वाले। सी, ये रीडिंग लड़कों के लिए भी है। आप अगर आप मेल मेंबर हो और आप देख रहे हो तो ऑफ कोर्स आप अगर किसी महिला के बारे में सोच रहे हो या लड़की के बारे में सोच रहे हो तो ऑफ कोर्स ये उनके लिए भी है। ओके तो अभी जो उनकी कैपेसिटी है ना अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना, वो थोड़ा अभी प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। अभी वो अपने लाइफ की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, अभी उन्हें अच्छे और बुरे दो टाइप के सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है, जहाँ पे कि उन्हें बहुत वाइजली इस जो ये लाइफ का ये जो डिसीजन आएगा उसे बहुत ही वाइजली और बहुत ही सोच समझ के लेना होगा, वरना ये उनको लॉन्ग टर्म में हार्म भी कर सकता है। अगर कोई गुड न्यूज़ आगे सॉरी अगर कोई बैड न्यूज़ आ गया है तो अब तो ऑलरेडी वो दुखी हैं, मगर अगर इस टाइम पर आता है तो उससे बचने के लिए अगर आप एक्सटेंसिव प्रेयर करते हो, भगवान से दुआ करते हो, तो ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम आने वाली है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, उस इंसान के लाइफ में उस चीज़ की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर कोई ऐसे इंसान के बारे में आपने सोचा जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो मैं आपको अपने टैरो कार्ड्स के थ्रू ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ उनसे बात कर लो, क्योंकि इतना दुखी किसी को छोड़ना ये सही नहीं है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप आपका सही होता है उनके साथ तो आप सही करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि वो एक गलत इंसान है, हाँ ये ज़रूर है कि उनका ध्यान थोड़ा भटक जाता है आपसे और चीज़ों पे चला जाता है, तो उसे आप करेक्ट कर सकते हो धीरे धीरे समझा के और बता के। ये देख सकते हो आप, सेल्फ में रहना और खुद के लिए सबसे पहले सोचना उनकी थोड़ी तो आदत है, ये यहाँ पे कार्ड्स भी बता रहे हैं। बट अभी सिंस वो इतने दुखी हैं कि वो भी अपनी चीज़ों के साथ एडजस्ट करने को तैयार हो जाएंगे थोड़े टाइम में। ओके, तो अगर ये एडजस्टमेंट आपके साइड से आता है या वो एडजस्ट करने को रेडी होते हैं, तो आप भी अपने इश्यूज़ को छोड़ के और उनके साथ थोड़ा हैप्पी तरीके से बात करने की कोशिश करो। ओके, उनके टाइम में तो चेंज आने ही वाला है, क्योंकि जब कोई बैड न्यूज़ आता है तो गुड न्यूज़ थोड़े टाइम में ही उसके साथ फॉलो करता है, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ। मैं कर्मा में भी बिलीव करती हूँ। तो आई होप कि आप लोग, क्योंकि मेरी फैमिली हो और मेरे टैरो कार्ड्स के थ्रू आपको मैं गाइड करती हूँ, तो मैं आपको भी कहूँगी कि आप कर्मा में बिलीव करो और ऐसा कोई काम मत करो जो आप अगर खुद पे आए तो आपको दिक्कतें हों। ओके, तो अब वो अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे दिया, ओके, बहुत अपने ईगो पे ध्यान दे दिया, अब वो एडजस्ट करने को आएंगे। तो आपको भी नीड है कि आप भी एडजस्ट करो। ठीक है, एक तो वो रियलिटी को फेस करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। ओके, तो वो उन चीज़ों, शायद ये जो बैड न्यूज़ है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में दिख रहा है, तो वो रियलिटी से थोड़ा मुँह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो रियलिटी से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस टाइम पे आपको नीड है कि आप उन्हें रियलिटी दिखाओ और रियलिटी बताओ और उन्हें इस सिचुएशन से ओवरकम करने में हेल्प करो।
थोड़ी उनके लाइफ में इस हफ्ते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। अगले हफ्ते फिर हम उनकी रीडिंग करेंगे कि उनकी अब करेंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो ये आपको सॉल्व करना है उनके लिए, ठीक है। तो ये रीडिंग्स मैंने आपको बता दी, अब हम लोग देखते हैं कि और माइन्यूट डिटेल्स में क्या आया है। सी जो मैंने दूसरा डेक निकाला, जिस दूसरे डेक से भी मैंने माइन्यूट डिटेल्स के लिए जो कार्ड निकाली, उसमें भी ये जो कार्ड आया है टेम्परेंस कार्ड, तो देखिए बार बार टैरो ये मैसेज दे रहा है मेरे मैं समझती हूँ जब मेरे टैरो कार्ड्स एक कार्ड को बार बार रिपीट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो दिखाते हैं कि ये चीज़ उनके माइंड में सबसे ज़्यादा चल रही है या ये प्रॉब्लम उनके माइंड में सबसे ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं वो ये जानने के लिए कि उनके माइंड में अभी क्या चल रहा है। तो ऑफ कोर्स ये देखिए, रेडी टू एडजस्ट, मगर रास्ता भी तो मिलना चाहिए ना। अब अगर आपने चीज़ बहुत ज़्यादा बर्बाद कर ली है तो रास्ता भी तो मिलना चाहिए जिसपे आप एडजस्टमेंट के लिए आगे बढ़ो। तो वो अब आगे बढ़ेंगे और अपने इमोशंस को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करना शुरू करेंगे। और आप देखोगे कि उनके नेचर में, आप देखो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एडजस्टमेंट करना शुरू करता है या कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करता है तो रातों रात वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। ऑफ कोर्स लोगों को थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। आप वो जो ड्यू समय है, जो टाइम है, उन्हें दो और उनकी हेल्प करो कि वो भी इस एडजस्टमेंट के साथ हैप्पीली आगे बढ़ सकें। ये कार्ड और ये कार्ड आपस में बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। ये भी एडजस्टमेंट दिखाता है और ये भी दिखाता है कि एक ऐसा इंसान जो अभी रेडी है सैक्रिफाइसेस करने के लिए, क्योंकि अब ना उसे नॉलेज आ गया है। तो अब ना इन्हें नॉलेज आ गया है कि थोड़े एडजस्टमेंट्स करने से अगर चीज़ें सही होती हैं तो उनको सही कर लेना ही सही है। बट एट द सेम टाइम अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता कैसे निकालें और आपसे बात कैसे करें। अगर आप हेल्प नहीं भी करोगे तो अभी वो पेशेंस के साथ इंतज़ार करेंगे और सैक्रिफाइसेस तो वो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत नेचर में चेंज आया है अभी। करंट में तो अगर मैं नेचर चेंज बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि अभी आज आया नेचर में चेंज और ये कल से ही दिखाई देने लग जाए। ऑफ कोर्स थोड़ा समय लगता है उस नेचर चेंज को दिखने में भी, क्योंकि लोगों को अपने नेचर चेंज के बाद थोड़ा समय लगता है अपने आप को उस तरीके से दिखाना जिस पर्सन में वो लोग बदले हैं, जिस तरीके के वो लोग चेंज हुए हैं। ऑफ कोर्स एंड इनकी लाइफ भी थोड़ी चेंज होने वाली है। ऐसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इनकी हेल्प ज़रूर करें बट इनके सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अपने सिचुएशंस को अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे, आराम से कंट्रोल करेंगे। ऑफ कोर्स इनके लाइफ में कुछ अनसर्टिनिटीज़ भी आ रही होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जो बहुत ही, मैंने पहले भी बताया कि इनके फैमिली में कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ है, कोई बैड न्यूज़ है, बेसिक ज़्यादा बड़ा बैड न्यूज़ है। मैंने इसलिए इस तरीके से कर दिया है सो दैट मैं पीछे और आगे दोनों को ही अच्छे तरीके से, पीछे के कार्ड और आगे के कार्ड दोनों को ही अच्छे तरीके से आपको बता सकूं। जो कार्ड दिए हैं ना उनकी रीडिंग मैंने कर दी है, बट सिंस इनका किसी कार्ड के साथ अगर रिलेशन आता है तो उसे मैं आपको उन दोनों के साथ बता सकूं। ये अगर ये जो इनका अप्रोच है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी जो इस हफ्ते या इस वीक में, ऑफ कोर्स वो अपॉर्चुनिटीज़ इनको कम होती नज़र आएंगी। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो इनके लाइफ में आने वाली थी वो इस वीक में नहीं आएंगी, इसके वजह से भी ये फ्रस्ट्रेटेड हैं। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है, लाइक जॉब लॉस हो सकता है या पैसे की दिक्कत हो सकती है। अब पैसे की दिक्कत बोलने का ये मतलब नहीं है कि खाने पीने के वांदे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि थोड़ा मतलब जो कम हो जाना, जिसमें कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत वो बेसिक फुलफिल ना हो पाना, तो ये थोड़ा इनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे इस हफ्ते इनके माइंड में मनी भी दिखाई दे रहा है। एंड एट द सेम टाइम यू सी द टार कार्ड, द डेथ कार्ड। इसीलिए मैंने कार्ड्स इस तरीके से अरेंज किया था सो दैट मैं आपको दिखा सकूं कि देखिए क्या है। तो ऑल ऑफ अ सडन जो चीज़ इनके लाइफ में एंड हुई है ना, वो इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। बट गेयर अप, क्योंकि जो चीज़ भी हुई है
बट हाँ, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ये ना सोचें कि डेथ कार्ड आया है इसका मतलब डेथ होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, सो डू नॉट वरी। ओके, तो जो टार कार्ड है और जो डेथ कार्ड है उसे मैं साथ रीड करके आपको ये बताती हूँ कि जो एंडिंग होगी ऑफ कोर्स वो बहुत ही सडन है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ रिलेटेड टू द फैमिली, मोस्ट प्रोबेबली। ओके, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि किसी के फैमिली से रिलेटेड हो, किसी के वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, बट 90% चांसेस है कि फैमिली से ही रिलेटेड होगी। ओके, तो जो चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में ख़राब हुई हैं, आप उसके लिए उनको आप बोलिए कि उसके लिए वो वरी ना करें। कोई भी चीज़ जो ख़राब होती है वो धीरे धीरे खुद ब खुद सही भी हो जाती है, और वो टाइम भी बहुत जल्द आ जाएगा जब वो चीज़ें सही हो जाएंगी। सी, ये हफ्ते में उनका जो करंट फीलिंग है ना, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। एक तो अपने पास्ट मिस्टेक्स की वजह से, और इसको वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पास्ट मिस्टेक्स जिसमें वो खुद सेल्फ अब्जॉर्ब रह गए और मतलब बस खुद के लिए सोचा, खुद के लिए किया और लोगों के लिए कम सोचा, तो इस चीज़ को ये करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम देखिए, ये कुछ चीज़ें सडनली एंड कर रही हैं, कोई दुख का माहौल बन रहा है। एंड यू सी, अभी उनको खुद को नहीं पता चल रहा है कि आगे का रास्ता किधर जा रहा है, किधर को जाना है। अगर आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए सोचा है, तो अगर आपने उनसे अभी ब्रेकअप किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ब्रेकअप किया है वो बुरे इंसान है। ऑफ कोर्स एक और चांस आप इस रिलेशनशिप को दे सकते हैं। अगर कोई किसी हस्बैंड वाइफ में मेजर फाइट्स हुई हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस फाइट को बैठ के समझ के सुलझाने की कोशिश करें, ज़रूर ही आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सुलझ जाएंगी। ओके, और मुझे सुलझती हुई नज़र भी आ रही है, मतलब और मुश्किलें कम होंगी, लेकिन आपको उसके लिए उनसे बैठ के बात करनी होगी। अभी वो पेनफुल सिचुएशन में है, तो ऑल दो वो एडजस्ट करने को रेडी हैं, बट मैंने कहा है उन्हें रास्ता नहीं पता चल रहा है, तो आप वो रास्ता उन्हें दे दो जिससे कि वो आपके पास फिर से एक बार अपना होप आप पे डाल सकें। ओके, एंड लोगों की बुरी नज़र से आपको उनको बचाना है, एंड एट द सेम टाइम आपको कहना है, आपको ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो ओवर स्ट्रेस करके अपनी तबीयत ना ख़राब कर लें, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते मिस हो जाएंगी वो आने वाले टाइम में ऑफकोर्स ही आ जाएंगी। देखते हैं अगले हफ्ते उनकी क्या रीडिंग आती है। तो ये रीडिंग मैंने कर दिया ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए, जैसा कि आप देख सकते हो, ये ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए मैंने रीडिंग कर दी है कम्प्लीट। और अब हम जो नेक्स्ट पाइल पे जाएंगे वो होगा व्हाइट पाइल। ओके, तो लेट्स सी व्हाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। मैंने ऑफ कोर्स कार्ड्स यहीं रखे हैं सो दैट आई एम सॉरी, ये वीडियो टिल्ट हो जाता है बिकॉज मैं एक हाथ से फ़ोन को पकड़ के वीडियो बनाती हूँ और दूसरे हाथ से कार्ड्स निकालती हूँ, तो इस वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आई होप कि आने वाले टाइम में मुझे कुछ स्टेबल सा मिलेगा जिसपे मैं प्रॉपरली वीडियो बना पाऊँगी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई होप कि आप मुझे इस चीज़ के लिए फॉरगिव करोगे। ओके, तो आपने जिसके बारे में सोचा है, हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाइट पाइल वाले लोगों के लिए है ये रीडिंग। तो आपने जिसके बारे में सोचा है, मुझे दिख रहा है आप ना उन पे बहुत ज़्यादा इमोशनली हो डिपेंडेंट। ओके, बहुत ही ज़्यादा आपको उम्मीद है कि बस वो आ जाए, और मतलब इमोशनल डिपेंडेंसी जो है ना आपकी उन पे वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। इतनी इमोशनल डिपेंडेंसी किसी पे, किसी का, वो बहुत हार्मफुल होता है। ओके, बिकॉज़ अपनी लाइफ भी तो लोग जीते हैं ना, और अगर टोटल टाइम वो इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे कि आपको ही देख रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ जीना टोटली भी भूल जाएंगे। तो एक ना हार्मनी होनी चाहिए दो बंदों में या दो लोगों में, कि दोनों की लाइफ इम्पॉर्टेंट हो, दोनों के लिए, मेरी आपके लिए, आपकी मेरे लिए, दोनों के लिए। ओके, तो मैं आपको कहूँगी कि एट प्रेजेंट आप ये इमोशनल बर्डन उनके ऊपर से थोड़ा कम करो। सी, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, जिसके बारे में आपने सोचा है वो उसने दिया है आपको धोखा, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है
कि मैंने तो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी जिससे मेरे धोखे के बारे में किसी को पता ना चले, और मैंने सारे तरीके आजमाए थे जिससे कि उन लोगों को पता। सी, धोखा इन द सेंस कि बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला धोखा नहीं होता है, कभी कभी आप किसी के साथ कोई सीक्रेट शेयर करते हो और वो सीक्रेट वो जाके और लोगों को बता देते हैं, तो ये भी एक किस्म का धोखा ही है। तो उन्होंने जो अच्छे तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की थी कि आपको पता ना चले, बट समहाउ अब आपको पता चल गया है, तो इस बात से उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस हो रहा है। ओके, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, और इसका रिएक्शन आपने ये दिया है कि आप उनसे उनसे थोड़ा आपने कट ऑफ रहने की कोशिश की है, या आप थोड़े दुखी हो गए हो। ओके, एट द सेम टाइम आपने तो ये एक्सपेक्ट किया नहीं था, बट उनके भी अभी माइंड में यही चल रहा है कि ये जो मैंने किया, ये मैंने इस तरीके से किया कि ये किसी को पता ना चले, बट एट द सेम टाइम सी, ये तो एक्सपोज हो गया ना, ये तो पता चल गया लोगों को, तो ये तो उनके लिए बहुत ही बुरा है। वो उन्होंने जो आपके आपके साथ गेम खेला था, वो गेम अब एक्सपोज हो चुका है, जो वो चाहते नहीं थे। ओके, और अभी उनके माइंड पे ये करंट फीलिंग कि मेरे बारे में लोगों को कैसे पता चल गया, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि उन्होंने जितने नाटक फैलाए हैं वो लोगों के सामने एक्सपोज हो जाए, या आपके सामने एक्सपोज हो जाए, या इवन उन्होंने आपको बैक स्टैबिंग करने का प्लान किया हो और आपने वो उस प्लान भी पकड़ लिया हो। इस रीज़न से उनको अब बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, बट नाउ क्योंकि ये एक्सपोज हो चुका है, तो यहाँ से ऑप्शन भी नहीं है कि वो आपका ट्रस्ट जीत सके। बहुत लेस चांसेस हैं कि वो आपका ट्रस्ट कभी जीत पाएंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके, और उनके माइंड में चल रहा है पैसा। ओके, पैसा और कंट्रोल, वो और लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो लोग उनसे अफेक्टेड होते हैं, और उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि मनी, ऑल दो उनको कोई मनी इशू नहीं है अभी एट प्रेजेंट। ओके, उनको कोई पैसों की दिक्कत नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है कि पैसे कम पड़ रहे हैं या पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारी दिक्कतें अभी उनको मैं अभी उनकी लाइफ में नहीं है। एंड बट हाँ, ऑफकोर्स उनके माइंड में पैसा चल रहा है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। मे बी कहीं वो पैसा लगाने का सोच रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, या किसी से लेना हो, किसी से देना हो, बट समथिंग जो मनी से रिलेटेड है वो चल रहा है। और जो उनकी इज्जत गई है ना इस रीज़न के वजह से, वो भी उनके माइंड में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है कि मेरी तो प्रेस्टिज कम हो जाएगी अगर लोगों को पता चल गया तो। तो इस टाइप के लोग ना बहुत टॉक्सिक होते हैं, अपने जिसके बारे में भी सोचा है ना, ऑफकोर्स आप उसे मानते हो क्योंकि मैं देख पा रही हूँ टैरो कार्ड्स में, बट आप ना इनसे दूर रहने की कोशिश करो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन में मत पड़ो, अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए, वर्क फ्रंट पे उनका काम अभी थोड़ा डगमगा सकता है। ओके, थोड़ा मे बी हार्ड वर्क में कमी आए, ऐसे भी तो अभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो थोड़ा रिलैक्स मोड में वर्क कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग तो ऑफकोर्स उनका जॉब ऐसा है कि जैसे जो डॉक्टर्स हैं तो उनका तो जॉब और हाई डिमांडिंग हो गया है, तो जिसके बारे में आपने सोचा है उनका, मुझे ऐसा लगता है कि वर्क जो है वो अभी बहुत रिलैक्स मोड में चल रहा है, और अब वो कोई जैसे अब उन्होंने तो आपके साथ ऐसा कर दिया कि उन्होंने आपको बैक स्टैप कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि अब वो रुक जाएंगे। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब वो रुक जाएंगे। ऑफ कोर्स अब वो किसी नए पर्सन को ढूंढेंगे जो उन पे ट्रस्ट करता है, और पॉसिबली उन्हें भी धोखा देंगे, यकीन मानो मेरी बात को, उन्हें भी धोखा देंगे। तो अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोग ना कभी किसी का ट्रस्ट नहीं रख पाते हैं, इस टाइप का उनका नेचर मुझे नज़र आ रहा है। या तो आप उनके कंट्रोल में रहो, और अगर आप उनके कंट्रोल में नहीं हो तो उनका उनसे धोखा सहो। वो आपसे लड़ाई भी कर सकते हैं, उनके दिमाग में बस और बस पैसा, ट्रस्ट, वर्क अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है ये, और आप उन पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो, इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, और मेरी असलियत दुनिया के सामने आ गई, इस बात को लेके उनके दिल में अफसोस है। ठीक है, तो ये अफसोस उन्हें सुधारने नहीं वाला है, लेट मी टेल यू, ये सुधरने के क्रम में जाता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बिगड़ने के ही क्रम में जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फिर कोई नया इंसान, फिर कोई ट्रस्ट करे और फिर से ट्रस्ट टूटे। ओके, सी
सो यहाँ पे और जो रीडिंग है उससे और जो कार्ड्स आए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके तो ये देखिए, ये अभी बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इस सिचुएशन की वजह से अफसोस है, दुख है, बट ये चीज़ रुकने वाला नहीं है. मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैंने आपको सावधान कर दिया है. और फिर कोई नया इंसान और फिर कोई और नए प्रॉब्लम्स. एंड ऑफ कोर्स उनके लाइफ में अभी और भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसके वजह से उन्हें बहुत ही डिप्रेसिंग महसूस भी हो रहा होगा. और कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो सोसाइटी के साइड से आ रही होंगी, कुछ ऐसे दिक्कतें होंगी या उनका आपको बताया ही कि जिस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुए वो रीज़न से बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, या उन्हें किसी ने एट द सेम टाइम सी उनके इमोशंस का ख्याल हर वो लोग रखते हैं जो उनके अराउंड है. ओके बट अगर एक भी चूक हो गई ना तो वो दुखी हो जाएंगे. अगर एक भी मिस्टेक हो गई, जैसे अगर आपने किसी को कहा कि चलो, आप किसी को 10 दिन खाना बना के देते हो और एक दिन अगर आपसे मिस हो जाता है, तो वो ऐसे इंसान है ना जो एक दिन मिस होने की वजह से उस 10 दिन के किए हुए काम को टोटली में भुला देंगे. ओके तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इमोशनली भी वो किसी बात को, छोटी मोटी बात को लेकर के एट प्रेजेंट दुखी हैं. एंड सी, अब जो वो कदम रखेंगे ना बहुत सोच सोच के रखेंगे, क्योंकि उनको अब डर हो गया है कि वो पकड़े गए हैं और वो बहुत ही बुरे सिचुएशन में पकड़े गए, और अब वो नहीं चाहते हैं कि वो फिर से पकड़े जाएं. तो अब वो एक हैप्पी गो लकी पर्सन बन के, एंड ऑफ कोर्स से मैं गणेश जी को आप लोगों के पास ले आती हूँ, सो वो आप लोगों को ब्लेसिंग्स दें. हैप्पी गो लकी पर्सन बन के एंड आप लोगों को फिर से ये कर सके, चीट कर सके, आप लोगों को बैक स्टैप कर सके, आपका भरोसा तोड़ सके. तो ऐसे लोगों पे भरोसा करने से पहले 100 बार आप सोच लेना. ओके ये खुद तो दुखी जितने होते नहीं है उससे ज़्यादा ये लोग दिखाते हैं कि ये दुखी हैं. ठीक है, इनके ना दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं. तो इस टाइप के लोगों से आपको रहना है, बच के. एंड एट दी सेम टाइम, ये अगर अपना कोई पर्सनल प्रॉब्लम आपके पास लेके आते हैं, मेरे लाइफ में ये दुख है, वो दुख है, तो प्लीज़ इनकी बातों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें. पॉसिबल है कि ये झूठ बोल रहे होंगे. ओके एंड इनके झूठ बोलने के चांसेस रियली वेरी हाई हैं. ये अपने बारे में सोचते हैं एंड अभी भी अपने बारे में सोच रहे हैं. तो अपने बारे में सोचेंगे और दूसरों की लाइफ डिस्ट्रॉय करने में लग जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी एक अच्छा बिहेवियर नहीं है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में अभी एट प्रेजेंट चल रही हैं, तो आप से होप भी करती हूँ कि आप इनसे थोड़ा सावधान रहो और बच के रहो, एंड अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को ना इन टाइप के लोगों से बिल्कुल ही हटा लो. सो ये रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है वाइट पाइल वाले लोगों के लिए. एंड वाइट पाइल वाले लोग, बार बार कह रही हूँ, सावधान रहो, सावधान रहो, प्लीज़ सावधान रहो. ओके नाउ हम लोग जिस नेक्स्ट पाइल पे जाएंगे वो होगा पिंक पाइल. तो देखते हैं पिंक पाइल के लिए क्या रीडिंग्स आती हैं. गणेश जी को इधर लेके आइए सो दैट वो सबको ब्लेसिंग्स दें. ओके मैं इसलिए उनको अपने वीडियोज़ में भी लेके आती हूँ, बहुत लोगों को इनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है. तो गणेश जी आपको खुश रखें, या आप अगर किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो अगर आप मुस्लिम हो तो अल्लाह आपको खुश रखें, एंड अगर आप क्रिश्चियन हो तो गॉड आपको खुश रखें, जीसस आपको खुश रखें. ऐसे मैं सारे ही भगवानों में मानती हूँ, मेरे लिए सारे ही भगवान बराबर हैं. ओके सो पिंक पाइल वाले लोग, ये आपका आ गया पिंक पाइल वाले लोग. ओके तो किसके बारे में आपने सोचा है, जो लोग आपको दुख देते हैं. ओके जिनके साथ आप कोशिश करते हो कि आपका रिलेशनशिप सही ट्रैक पे जाए, बट सही ट्रैक पे जाता नहीं है, और फिर दुखी होते हो, नेगेटिविटीज आती हैं लाइफ में, ऐसे इंसान के बारे में सोचा है ना आपने. कभी वो आपको अपने बराबर का दर्जा नहीं देंगे. छोटी छोटी बातों पे, किसी ना किसी बात पे खिट पिट लगी रहेगी, कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ आप लोगों के बीच में होती ही रहेंगी. ओके तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स. आप उनको कभी नहीं समझ पाओगे, वो आपको कभी नहीं समझ पाएंगे. वो चाहते हो, वो अपने हार्ड वर्क में बिजी रहते हैं, अपने वर्क लाइफ में बिजी रहते हैं, आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते. तो उनके माइंड में जो अभी करंट फीलिंग चल रही है वो ये है कि अभी वो किसी रिश्ते के वजह से बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड और बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं.
तो इवन इस वजह से भी बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ना बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहिए, और अगर वो ये आज़ादी उन्हें मिलेगी नहीं तो उन्हें सफोकेटेड फील हो सकता है। सी ये कार्ड मुझे लगता है क्वारंटाइन के वजह से भी आ सकता है, क्योंकि बहुत लोग घर में रहना पसंद नहीं करते हैं। बट अभी जो क्वारंटाइन है ना, वो पसंद और नापसंद के ऊपर नहीं है, अभी रहना है तो रहना है, यही है। बट हाँ, लोग बोर तो होते हैं, ये तो एक फैक्ट बात है। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर से बाहर निकलो, मैं कह रही हूँ मे बी ये बोर्डम की वजह से भी ये कार्ड आ सकता है। ओके, एंड अभी उनके ब्रेन में ना, मतलब अभी उनके दिमाग पे क्या चल रहा है, वो ये है कि वो किसी रिलेशनशिप की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, या वो एक्सेसिवली बोर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इन टाइप के लोगों को कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। प्रोडक्टिव कुछ भी हो सकता है, अपने रूम को सही करना चाहिए, रूम को डिक्लटर करना चाहिए, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत फ़ायदे। आप मेरे चैनल को देखते हो ना, बिकॉज आपकी एनर्जी आपको मेरे चैनल तक लेके आती है। ओके, तो एट दी सेम टाइम मैं आपको बता देती हूँ कि जो डी क्लटरिंग होता है रूम का, वो बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज उसके वजह से ना नेगेटिव एनर्जी जाती है रूम से। तो ये एक चीज़ हो गई। तो कुछ प्रोडक्टिव काम में अपने टाइम को इस्तेमाल करने के लिए आप उनसे कह सकते हो। अभी वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड फेज ऑफ लाइफ से अभी निकल के आए हैं, तो अभी रिलैक्स भी कर रहे होंगे। बट हाँ, आपकी और उनकी मुझे दिख रही है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ बातों पे, ऐसी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं जिन पे होनी नहीं चाहिए, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्यों वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उन्हें भी एट द सेम टाइम ऐसा ही लगता है कि क्यों आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कार्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो फोकस मुझे वर्क फ्रंट से थोड़ा हटता हुआ नज़र आ रहा है, एंड थॉट्स कहीं और जा रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। मे बी वर्क लाइफ को अलग तरीके से टेकअप करने का भी इनका प्लान हो सकता है, या चेंज करने का, चीज़ें अपने लाइफ में, कुछ मेजर चीज़ें अपने लाइफ में चेंज करने के भी इनके प्लान्स हो सकते हैं, जिसको अगर ये करते हैं तो ऑफकोर्स ये सक्सेसफुल भी रहेंगे। और अभी इनके ना माइंड में एक तो चल रहा है कि मुझे रिलैक्स करना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, बट एट द सेम टाइम ये लोग बोर भी हो रहे हैं। ठीक है, इनको थोड़ा मज़ा भी चाहिए अपने लाइफ में, थोड़ा एडवेंचर चाहिए, थोड़ा फन चाहिए। ठीक है, और ये अपना कपल टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं, मगर कपल टाइम में इनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या लवर टाइम में इनकी लड़ाइयाँ हो जाती है, जिससे ये प्यार करते हैं उस पर कभी कभी ये गुस्सा दिखा देते हैं। तो इनके माइंड में आप देख रहे हो कितने सारे थॉट्स चल रहे हैं। अभी मैंने जो दो पाइल्स की रीडिंग की ना, उनका बहुत क्लियर क्लियर है, बट इनका जो है ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फैमिली चल रहा है, सोसाइटी चल रहा है, पैसा चल रहा है, रिलैक्स करना है और मज़ा भी करना है, एडवेंचर भी करना है, किसी से इरिटेटेड भी फील कर रहे हैं, किसी मेजर इंसान से अपने लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं, पता नहीं किससे। अगर आप जानते हो नहीं, आपके साथ रहते हैं, तो आपको बेटर आइडिया होगा। सी फैमिली की बातें तो अभी इन्हें सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि उनके फैमिली में कुछ सी सो आज आप देख रहे हो रिलैक्स करना चाहते हैं कितना ज़्यादा, सेम कार्ड दो बार, आज सेम ही कार्ड दो डिफरेंट डेक्स में आ चुका है। तो ये रिलैक्स करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना चाहते हैं। आप अगर इन्हें जानते हो तो प्लीज़ इनके लिए प्रे करो। ओके, और प्रे करो कि इनकी हालत जो है वो बेहतर हो जाए, बिकॉज़ ये सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क से अभी निकल के आए हैं, इनके लिए टाइम है रिलैक्स करने का, अदरवाइज़ ये बीमार भी पड़ सकते हैं। अगर ये किसी भगवान को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, तो ऑफकोर्स इनको उनको याद करना चाहिए। तो भगवान और जो गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो इनकी प्रॉब्लम्स से निकलने में इनकी मदद करेंगे। ये लोग हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले के रखा हो इन्होंने, तो अभी एट प्रेजेंट उनका जो माइंड का स्ट्रेस है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो इस वजह से भी ये एक टाइम निकालना चाहते हैं अपने लाइफ का, जहाँ कि ये बस अपने और बस अपने बारे में सोचें। आप ऐसे लोगों को काउंसलिंग भी कर सकते हो, काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हो, अगर आपकी बात होती है तो, और अगर नहीं होती है तब आप उनके फ्रेंड्स या किसी को कह सकते हो कि उनका ख्याल रखें। और इल होने के चांसेस, मतलब बीमार पड़ने के भी चांसेस यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं।
कि वो आने वाले टाइम में थोड़ा बीमार वगैरह भी पड़ सकते हैं, तो आप कोशिश करो कि वो प्रॉपरली रिलैक्स करें। एंड एट द सेम टाइम कोई एक बात है, मुझे लगता है कि जो आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं और सफोकेटेड महसूस हो रहा है आप दोनों को, उसके वजह से ना वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। या किसी मेजर पर्सन जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनसे उनकी लड़ाई हो गई है, या वो उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन में नहीं है, मतलब नहीं है मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, या ज़्यादा बात नहीं हो पा रही, मिलना जुलना कम है, या उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, तो ये कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। उसके वजह से ही इज़ प्रिटी अपसेट, मतलब थोड़े ना दुखी हैं वो, और देखिए दुखी हैं और इस वजह से अपनी फैमिली की बात मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहा। अभी उनकी फैमिली अगर उनको सजेशन देती है तो वो एकदम वेस्ट में चला जाएगा, क्योंकि वो बात वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अभी उनको चाहिए कि वो अपना टाइम निकाल के थोड़ा इन्जॉय करें, और अगर कोई केस वगैरह उन पर चल रहा है तो उनको कहो कि इस चीज़ का टेंशन ना लें, वो इस केस से सक्सेसफुली बाहर निकल आएंगे। या अगर फैमिली में कोई लड़ाई चल रही है तो ऑफकोर्स ये फैमिली की भी जो लड़ाई है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, एट द सेम टाइम ये देखिए अब जो इनके कन्फ्यूजन्स हैं ना वो निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक कार्ड है और यहाँ पे एक कार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स है और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स है, टू ऑफ मोस्ट पावरफुल कार्ड्स ऑफ वॉन्स। तो आप देख सकते हो वर्क फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा नज़र हट रहा है, तो ये रीज़न भी हो सकता है, ठीक है, या तो ये स्ट्रेस रीज़न हो सकता है, या तो ये दुख रीज़न हो सकता है, या आप लोगों की लड़ाइयाँ या सफोकेशन या चेंज नहीं मिल पा रहा है उन्हें। ओके, मतलब बदलाव जो उन्हें चाहिए वो बदलाव नहीं मिल पा रहा है, तो इनकमिंग फ्यूचर आई कैन सी कि इन्हें थोड़ा बदलाव लगेगा अपने सिचुएशन में, तो वो बदलाव जब इनको मिलेगा ना तो इनका लाइफ फिर से ऑन ट्रैक आने लगेगा। ओके, और फिर से ये अपने वर्क फ्रंट पे फोकस करना शुरू कर देंगे। ओके, ये देखिए, और ऐसे लोगों को, ये इस टाइप के लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा अच्छे गुड डीड्स करने चाहिए, तो अगर आप जानते हो तो उन्हें बोलो कि वो कुछ अच्छा काम करें। अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप इनडायरेक्टली भी उनके नाम से कुछ, जैसे किसी गरीब को कुछ दान दे देना हुआ, तो अभी तो क्वारंटाइन में कर नहीं सकते हो, बट हाँ जब ये क्वारंटाइन ख़त्म होगा ना तब आप कुछ गरीब को कुछ दान दे देना उनके नाम से, कि उनकी तरफ से, सो दैट उनका जो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है ना वो ना आए। और उन्हें कहो कि अपने वर्क फ्रंट पे फोकस करें, और अपने सी वर्क फ्रंट से दिमाग हट गया है एंड पेन की तरफ चला गया है, तो पेन वाली चीज़ बुरी है, और इस पेन के वजह से मुझे लगता है, इस स्ट्रेस के वजह से मुझे लगता है कि आपसे भी हो सकता है इस वजह से ही लड़ाइयाँ पॉसिबली हो रही होंगी, तो ये रीजंस पॉसिबल हैं। एंड अगर उनको भी किसी से हेल्प मांगना है तो वो बहुत ही सोच समझ के हेल्प मांगे, ये नहीं कि वो बस बिना सोचे किसी से हेल्प मांग लें, तो वहाँ पे उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड जिससे भी वो हेल्प लेंगे उन्हें कहो कि वो उस हेल्प को वो रिपे कर दें, वरना आगे जाके वो ये चीज़ उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। एंड हेल्प उन्हीं लोगों की करें जिनको सच में ज़रूरत है, ना कि उन लोगों की जो दिखा रहे हैं कि उन्हें ज़रूरत है बट असलियत में उन्हें ज़रूरत है नहीं। और एट द सेम टाइम ये लोग अपने ना अभी एट प्रेजेंट बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, ठीक है, अभी इनसे आप एक्सपेक्ट मत करना कि ये बातें सुने, इनका दिमाग अभी किसी की बातें नहीं सुनने वाला, ठीक है, बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग जो इन्हें सही लगेगा ये वही करने वाले हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स अगर कुछ गलत लगेगा तो उसको सुधारने के लिए भी ये इस हफ्ते में आगे ज़रूर बढ़ेंगे, तो ये मुझे ऐसा लगता है। एंड ऑफ कोर्स ये इस हफ्ते में उनके डाउट्स थोड़े क्लियर होने लगेंगे, चीज़ें उनके लिए थोड़ी बेटर होने लगेंगी, तो ये रीडिंग मैंने कर दी है पिंक पाइल वाले लोगों के लिए। अब अगर आपको मेरी रीडिंग आती है पसंद, और अगर आपको मेरा काम आता है पसंद, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे ना बहुत मोटिवेशन लगता है, क्योंकि मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, मैं हर दिन ये वीडियो बना के लेके आती हूँ कि आप लोगों के लाइफ में एक ना स्पेस ना हो कि मैम ने आज वीडियो नहीं डाला, तो आप लोग भी मुझे इस तरीके से मतलब मेरे वीडियोस को देख के एंड और लोगों को, मैं इसलिए बोलती हूँ ना कि सी आपकी एनर्जी आपको यहाँ तक लेके आई, अब आप किसी की हेल्प करो, मैं जैसे आपकी हेल्प कर रही हूँ अब आप भी आगे किसी की हेल्प करो, सो दैट ये जो हेल्प का चेन है ना वो बढ़ता जाए,
छोटे छोटे हेल्प करो, ये तो ये एक हेल्प है जो मैंने आपसे मांगा कि आप और लोगों की हेल्प करो, क्योंकि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप इसे नहीं बताना चाहते हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो आप कोई भी हेल्प कर सकते हो, कुछ भी हेल्प कर सकते हो, बस हेल्प करो। बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करो, क्योंकि हमारे ना एक्शंस अच्छे होने चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में ना हमारा जो कर्मा अकाउंट है ना, जैसे हमारा बैंक में अकाउंट होता है, उसमें पैसे डालो तो पैसे रहते हैं, पैसे निकालो तो ख़त्म होते हैं, तो उस कर्मा अकाउंट में हमारे जो अच्छे कर्म है ना वो बुरे कर्मों से बहुत ही ज़्यादा हो, ऐसा हमारा एक्शंस होना चाहिए, ठीक है। तो आपका कर्मा अकाउंट आपके हाथ में है, ना कोई देखता है ना कोई जानता है, जानते भी आप हो देखते भी आप हो, तो मैं आपको यही कहूँगी कि बस करते जाओ और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। और फिर मैं हूँ, मुझसे भी हेल्प ले सकते हो, कोई और टैरो कार्ड रीडर पसंद आता है उससे हेल्प ले सकते हो, जिससे भी हेल्प लेना चाहो ले सकते हो। तो अब हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।